हेलो 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 एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ पोस्ट करने में 2021 ईयरली रीडिंग्स के लिए, बट एनी विच वेज अब फाइनली रीडिंग्स आ चुकी हैं। सो आई विश एवरीवन, यू नो, ये 2021 आप सभी के लिए बड़ा पॉजिटिव हो, आपकी सारी मुरादें पूरी हो, इच्छा पूरी हो। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी। साथ ही साथ यू नो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो मैंने रीडिंग्स प्रोवाइड की हैं, ये एक्चुअली जब भी यू नो क्लाइंट्स हर न्यू ईयर में पूछते हैं ये साल कैसा होगा, तो ये रीडिंग्स में तो हम उनके लिए करती थी। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग होती है, हर एक मंथ के लिए कार्ड हम पुल आउट करते हैं, कार्ड का यू नो ईयर का थीम होता है, क्या थीम होगा। तो वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने बेस्ट रीडिंग देने की प्रोवाइड की। आई होप आप इसे इन्जॉय करेंगे, देखेंगे। इफ़ सो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो ऑल्सो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज मंथली वीकली एंड पिक अ कार्ड रीडिंग्स पोस्ट होती रहती हैं। डेली टैरो रीडिंग अगर आप चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, वहाँ पर आपको डेली टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या मैं स्क्रीन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यस, इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डू गो वॉच इट, एंजॉय। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स, कितने रिलेट कर पाए हैं, कितना नो डीपली आप इस रीडिंग को एंजॉय कर पाए हैं। सो आई रियली लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। यस, थैंक यू सो मच। इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो यस एरीज, ये रहे आपके कार्ड्स। मैंने पूरे 12 मंथ्स के लिए कार्ड निकाले ताकि हमें एक आइडिया मिल सके क्या टैरो कार्ड्स कहना चाहते हैं फॉर 2021। ये रहा हमारा थीम ऑफ द ईयर, कि ईयर की पूरी थीम क्या कहती है, एंड वन बाय वन हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग जानेंगे। यहाँ पर ये 6 मंथ्स के कार्ड्स हैं, ये हम रीडिंग कर लें, उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये कार्ड को यू नो साइड में करके देनी, यहाँ पे आपके लिए रख दूंगी। सो हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि आपके लिए 2021 के लिए थीम क्या है। सो ये थीम है एस ऑफ माइकल है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली, मैं सिंपल भाषा में अगर बता दूँ तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए एरीज। ये बताता है कि न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू आइडियाज़ अगर आपके माइंड में आ रहे 2021 में, कुछ नया आप लाइफ में करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेस से जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ भी समथिंग न्यू, कोई नया कोर्स, कोई नया स्टेप अपनी लाइफ में, कुछ भी नया करने की अगर इच्छा है तो 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं या एक टफ रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं रिस्क लेकर आगे बढ़ना। इंसान हमेशा आगे बढ़ने के लिए कई बार कतराता है, डरता है, उसे पता नहीं होता भाई आगे ज़्यादा सुख है या ज़्यादा दुख है, तो इसी कन्फ्यूजन में वो सोचता भाई जहाँ मैं हूँ चल रहा है वैसे ही चलने दो। बट कई बार ज़िंदगी आपको ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ पर आपका आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा माना जाता है। सो इसीलिए इस साल अपने आप को बिल्कुल भी रोकिएगा मत, कुछ भी ज़िंदगी अगर आपको नया दिखा रही है, आपको कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, बेझिझक अब आगे बढ़िएगा और अपने आइडियाज़ पे 2021 में ध्यान दीजिएगा। लिख लीजिए 2021 में आप क्या नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, उस पर आप सोचें, मेहनत करें, प्लान करें और हार्डवर्क करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो कुछ ना कुछ एरीज राशि वाले मेरे को 2021 में नया करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नए कदम उठाएंगे, नए स्टेप्स लेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये देखा जाता है। सो हैव करेज एरीज, हिम्मत बनाए रखिएगा 2021 में नए करने के लिए, बिल्कुल भी डरिएगा मत, कार्ड्स आपके सपोर्ट में हैं। वहीं चलते हैं हम जनवरी मंथ की ओर, कि यू नो जनवरी मंथ के लिए क्या कार्ड्स आए आपके लिए। जनवरी मंथ के लिए आपके लिए यहाँ पर वाइब दिख रही है, 10 ऑफ एरियल का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ अगर जैसे हम कहते हैं ना कि जनवरी मंथ को मैं ऐसा कह सकती हूँ कि शुरुआत हुई बड़ी पॉजिटिविटी से, या आपको लग रहा हो कि भैया हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, उस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं। यहाँ पर मैसेज भी कुछ ऐसा है, देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। ये एक इसका की वर्ड होता है कार्ड्स का, कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो कहते हैं, बट ऑनेस्टली इस कार्ड को देखकर जो मैसेज मुझे मिल रहा हो, जो मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है एरीज राशि वाले, इन द जनवरी मंथ
आपके लिए पहली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा माना जा सकता है। आप नए प्लान्स कर सकते हैं, दोस्तों से मिलना, गेट टुगेदर हो सकती है, कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, उस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए हो सकती है। बट ऑल ओवर एक अंदरूनी आपको होगा कि भाई शुक्र है नया साल शुरू हुआ, मेरे को कुछ पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, एक अच्छा मंथ आपका बीतेगा। एंड पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन या एक ग्रोथ या कुछ ऐसे आइडियाज़ या ऐसे कोई आपको अंदर से फेथ आएगा कि भैया ठीक है मेरी लाइफ आगे सेट हो जाएगी, चल जाएगी। तो समवेयर जनवरी मंथ में एक पॉजिटिविटी आपके लिए दिखाई दे रही है, इट इज़ अ गुड मंथ। अब जैसे कि मैं रीडिंग ऑलरेडी अराउंड जनवरी 15 के आसपास करी, हमारे 15 डेज ऑलरेडी बीत चुके हैं, सो आई वॉज लेट, बट या आगे हमारे और 15 डेज बचे। सो कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में एक पॉजिटिव वाइब दिखती है। अब ज़रूर नहीं जान मंथ से सारे कनेक्ट हो पाए, लेट्स सी रीडिंग्स है, कार्ड्स हैं, कितने सारे मंथ से आगे आगे जैसे बीतेंगे कनेक्ट हो पाएंगे। बट ऑल ओवर आई सी जनवरी मंथ सम वेयर फाइनेंशियल गुड लक लाता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या तो सपोर्ट या एक ब्लेसिंग तौर पर दिखाई देती है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं आपके फेबररी मंथ में भी कार्ड्स की एनर्जीज़ 7 of Eril के, फेब मंथ में आप कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन में आते हुए दिखते हैं कि भाई हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या जो हमने ज़िंदगी में डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है या हमें बदल लेने चाहिए, तो कन्फ्यूजन है। बट ये कार्ड्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि पेशेंस रखें, जो भी आपने बीज बोया है आपको उसका फल मिलेगा, चिंता ना करें, देरी से अगर मिल रहा है कोई बात नहीं लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। सो फेब्रुअरी मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें जितना हो सके, और इस कन्फ्यूजन को स्लोली स्लोली टैकल एंड हैंडल करने की कोशिश करें। पैसे की जल्दबाजी में या हम कहते हैं ना कि हमें वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, चलो यहाँ कम मिल रहा है, कई बार ये भी सजेस्ट करते कि ना कई बार समय जिस तरीके का चल रहा हो तो आप कितनी भी चीज़ें बदल लें कई बार वो ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर सम टाइम देन टेक एक्शंस। सो फेब्रुअरी मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखना होगा। बाकी आप जो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं आगे बढ़े ज़रूर करें, लेकिन फेब्रुअरी मंथ में कोई भी जल्दबाजी में फैसले ना लें, उसे धीरे धीरे उस पर सोच विचार कर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर और अच्छा माना जाएगा। अगेन फेब्रुअरी मंथ में भी मुझे मेंटल स्ट्रेस या मेंटल कन्फ्यूजन ज़्यादा दिखाई देती है, मोर देन कोई और कोई ड्रामा आपकी लाइफ में, स्ट्रेस इतना नहीं दिखाई देता, बाकी सब एक रूटीन में चलता हुआ दिख रहा है एज़ पर व्हाट डू आई सी। चलते हैं हमारे अगले मंथ की तरफ, दैट इज़ मार्च। मार्च में अगेन काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हाईलाइट होती हुई दिख रही हैं आपकी काम की तरफ, जो ये कहता है कि आप बस अपने काम में अपनी मेहनत में फेथ से आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉजिटिविटी, यस पॉसिबिलिटी। सो ये कार्ड अगेन आपको अश्योरेंस दे रहा है कि मार्च मंथ में भी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन आप शायद घबराएं कि भैया मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी, क्या रहेगी। तो यस, अगर आपको कोई मार्च मंथ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं आप ज़रूर उसमें आगे बढ़ें, आपके लिए वो अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मान लीजिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं आती हैं तो भी मैं कहूँगी कि आप जिस जॉब में हैं, जिस काम में, मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा सकता है फॉर एनी टाइप ऑफ प्रमोशन गेन या पॉजिटिविटी, या इन जनरल आपको अपने आप में अपने आप को लगेगा कि भैया मैं बड़ा एम्बिशियस हो रहा हूँ, मेरा काम पे फोकस है, मेरी हेल्थ अच्छी है, एक एनर्जी आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगी आपके काम को लेकर। ओके, सो अगेन हमारे लिए जैन फेब मार्च काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड गुड इंडिकेशंस दे रहे हैं, कोई अभी तक हमें बिग ड्रामा इश्यूज नहीं दिखाई दिए हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर जैन फेब एंड मार्च। जैसे ही हम अप्रैल मंथ की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है द मून का कार्ड है, ये एक डेस्टिनी कार्ड भी माना जाता है, जहाँ पर अप्रैल मंथ में आते ही मुझे एरीज कहीं ना कहीं कुछ इमोशनली स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स में भी शायद जो आपके कंट्रोल में ना हो आपका मन उदास कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमें रात को चिंता होती है, मे बी ये इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू लव रिलेशनशिप्स या इन जनरल आपकी लाइफ, लव लाइफ को लेकर या करियर लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तनाव में आ सकते हैं। सो अप्रैल मंथ थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जहाँ पे जो आप बातें सोचें या कहें वहाँ आपके करीबी आपको सपोर्ट ना कर सकें, साथ ना दे सकें, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में मैं कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, आप मूड स्विंग से गुजर सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कि लगे कभी बड़ा अच्छा मूड है कभी अच्छा नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, तनाव में है,
तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। जितना हो सके अप्रैल मंथ में अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी केयर करें, इंट्यूशन पे ध्यान रहें, स्लो डाउन हो जाएं। अगर ज़िंदगी आपके हिसाब से अप्रैल मंथ में ना चल रही हो तो एटलीस्ट काम डाउन होकर अपने आप को शांत रखें। बहुत ज़्यादा इवेंट्स की उम्मीद या जो चीज़ आप चाहते हैं अगर उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही, सो डोंट वरी, दिस इज़ द टाइम ऑफ रेस्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ। तो इस मंथ में आप अपना ध्यान रखें इमोशनल हेल्थ का एंड धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के बारे में नो स्टेप अप आगे बढ़े, लेकिन पहले अपना ख्याल रखें, जल्दबाजी में फैसले ना लें। तो अप्रैल मंथ थोड़ा सा स्लो मंथ मुझे होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ एनर्जीज़म कहते हैं ना कि आपको मन में चिंता आगे का क्या होगा, कहीं ना कहीं इवेंट्स आपके सपोर्ट में ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहे हैं अप्रैल मंथ। मई मंथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यू नो इंसान बड़े सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है एंड उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा, पर उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। सो मई मंथ में भी आप खुद में ही विचार करते हुए दिख रहे हैं कि भैया ये लाइफ ऐसी क्यों है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख है, शायद कुछ लोग आपको हर्ट कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली ये दो कार्ड जैसे ना इसको डेस्टिनी कार्ड्स कहते हैं, कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोग आपके कंट्रोल में नहीं हैं, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं। कंट्रोल में है तो सिर्फ आपका कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आप सिचुएशंस को देखोगे, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करोगे और आप क्या कर सकते हैं एज अ इंसान। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने व्यवहार, अपने बोलचाल को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरों को कैसे कर पाएंगे। इसीलिए कई बार डेस्टिनी कार्ड आते हैं जो कहते हैं भैया किस्मत में जो लिखा होगा आप वो देखेंगे एंड उस वजह से आपका यू नो रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर अप्रैल या मई मंथ में कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ को लेकर परेशान है, चाहे धन, पैसा, प्यार, जो मर्जी हो, हेल्थ, तो भरोसा रखिएगा कि ये यू नो कुदरत का ही समय का है, इसे बस बीतने दें। कहते हैं ना जैसी भी परिस्थिति हो स्थिर रहें। तो जितना हो सकेगा मैं सजेस्ट करूँगी अप्रैल और मई मंथ में पेशेंस रखें। अगर चिंता जैसा समय हो रहा है, हालात ऐसे हैं, तो बस संयम बनाए रखें इन दो महीनों में, बिकॉज ये चीज़ें शायद आपके हाथ में इवेंट्स ना हो लेकिन आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथ में होगा। तो यस, इन दो महीनों की वजह से आप अपने सपने को ना तोड़िएगा, आपके जो सपने हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उन पर भरोसा रखिएगा। लेकिन हाँ, कई बार समय अगर थोड़ी धीरे वाली गति में चल रहा हो तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर उस समय ही सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास बनाए रखना ज़रूरी होता है। ये दो कार्ड्स हमें थोड़े से स्लो मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आगे चलते हैं, हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के आते ही फिर से अगेन एनर्जीज मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। अब आपकी एनर्जी फिर से वापस आ रही है, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आप वापस से हिम्मत बनाकर बाहर आते हुए दिख रहे हैं, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपके लिए जून मंथ में भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अच्छी बातें हो सकती हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है, ट्रैवल हो सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है और आपकी खुद में भी एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी। कोई नया कोर्स कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपके पेपर वर्क अटके हुए हैं वो क्लियर हो सकते हैं। सो ऑल ओवर एक मूवमेंट अब आ जाती है जून मंथ में। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, बट यस, एक एनर्जी में चेंज, एक पॉजिटिविटी, एक न्यू एनर्जी आती हुई दिख रही है इन दी जून मंथ। सो दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड। मैं कहूँगी कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो जून मंथ विल बी ग्रेट फॉर दैट। अगर ऐसी प्लानिंग है, कोई एग्जाम्स हैं, कोई भी चीज़ हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन दी जून मंथ। तो एक ना जिसे हम कहते हैं ना छोटे छोटे कदम अब आप आगे बढ़ाएंगे, तो जून मंथ उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखता है। सो यस एरीज, ये थी 6 मंथ्स की हमारी रीडिंग। अब इसके बाद में हम हमारी जुलाई से देखते हैं क्या कार्ड है। तो मैं बस ये कार्ड्स को ना साइड में रख दूँ, देन हम एट द एंड सारे रीडिंग कंबाइन करके भी देखेंगे, डोंट वरी। सो मैं सारे कार्ड्स नो अलाइन कर देती हूँ, देन मैं वापस से आपको गाइडेंस दे दूँ कि हम जुलाई से हमें क्या देखने मिल रहा है। सो जैसे ही हम चलते हैं जुलाई मंथ की ओर, तो जुलाई मंथ के लिए हमारे कार्ड जो तो सन का कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जुलाई मंथ आपके लिए। आई गेस यानी जून मंथ में आपने कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा था, एनर्जीज़ ब्राइटन अप हो रही थी, एंड वहीं जुलाई मंथ आपके लिए सबसे पॉजिटिव ला रहा है खबर, जहाँ पे एक जो भी आपके डिज़ायर्स इच्छाज हों, चाहे वो करियर की हों, मैरिज के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस, प्रमोशन, ट्रैवल, समथिंग जो आप दिल से चाहते थे वो चीज़ आपको खुशी दे,
पॉजिटिविटी दे। मैं सीरियसली दुआ करूँगी कि जितने भी एरीज है देख रहे हैं, जुलाई मंथ उनके लिए काफ़ी अच्छा हो। तो जुलाई मंथ के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपके लिए। वही हम हमारे अगले मंथ की ओर भी चलते हैं, तो ये भी अगेन डेस्टिनी कार्ड है। इनफैक्ट द सन कार्ड भी डेस्टिनी कार्ड है। यहाँ पर भी द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है, कह रहे हैं कि अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। साथ ही साथ यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा की वर्ड्स दिए हैं, बट ये द वर्ल्ड का कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसे भी शनि देव का कार्ड माना जाता है। यहाँ पर भी एक हैप्पी एंडिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर यू नो जो आपने प्रोजेक्ट, जो आपके टास्क थे, जो आपका टारगेट था, जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में यू नो एक करनी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो, मान लीजिए आप कुछ आपने अब्रॉड जाना है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वो पूरा प्रोसीजर होता है, देन वो करके आपका एक ना सबमिट हो गया। दैट वॉज अ प्रोजेक्ट, इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट, आपने वो प्रोसेस किया, वो हो गया काम। अब रिजल्ट आना चलो फिर भी एक अलग बात है, चलो, लेकिन एक आप जो काम सोचते हैं करते हैं वो पूरा कर सकें, उसे भी एक कम्प्लीट एंडिंग कहते हैं। सो इस प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, बट ऑल ओवर अगस्त का हमारा जो जून जुलाई अगस्त अगस्त का भी जो महीना होगा वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी। जो भी आपके काम होंगे आप उसे पूरे करेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड मंथ होगा, मेहनत करेंगे, एक रूटीन अच्छी बीतेगी, तो एक पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है इन दी अगस्त मंथ ऑल्सो। तो हमारे जुलाई और अगस्त के कार्ड काफ़ी अच्छे सपोर्ट में होते हुए दिख रहे हैं टिल नाउ। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं सितंबर मंथ की ओर, सितंबर मंथ की भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, बट ये सिचुएशन थोड़ी वाइस वर्सा हो सकती है कार्ड्स के। ने सिक्स ऑफ एरियल के कार्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि इन दी सितंबर मंथ या तो समय ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतना यू नो मनी की अबंडेंस हो कि आप किसी की मदद करें। अगर आपसे कोई उस मंथ में मदद मांगता है, कभी भी मांगे, तो ज़रूर आप उनकी मदद करें, हेल्प करें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। या आप कोई अपनी सहूलियत के लिए किसी काम के लिए लोन ले सकते हैं, आपकी कोई मदद कर सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो कोई आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर पैसे को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन हेल्प ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। जो भी चेंजेस आए कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, तो हेल्प के लिए कतराइएगा नहीं। पैसे का थोड़ा सा हम कहते हैं ना भैया हमें तोल मोलना होगा, कि कैसे कई बार लोग गोल्ड बेचते हैं फिर अपनी रोलिंग करते हैं पैसे की, तो पैसे की रोलिंग करने के लिए कहीं ना कहीं आपका सितंबर मंथ उस तनाव में, उस स्ट्रेस में, उस मैनेजमेंट में बीत सकता है। तो मनी थिंग्स आर हाइलाइटेड इन सितंबर मंथ, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। वहीं अगर मैं इन्हों कंबाइन करके देखूँ तो आपके लिए कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त काफ़ी कह सकते हैं एक मंथ इस तरीके से बीतेगा जहाँ पर इन्हों आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपके लिए सितंबर मंथ में बस मनी मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग योर लाइफ, चाहे वो आपकी लव हो, करियर हो, तो बैलेंस अपनी रूटीन भी करनी होगी, पैसे को भी बैलेंस रखना होगा, एक संतुलन बना के रखें सितंबर मंथ में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इमोशंस को भी बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरफा इमोशन का कोई भी साइड मत होने दीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जितना हो सके स्थिर रहिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। वहीं हम चलते हैं हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ। अक्टूबर कार्ड्स आपके लिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं नाइट ऑफ एरियल का कार्ड है। अक्टूबर मंथ में आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, कोई ना कोई आपकी केयर कर सकता है, लव रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं नए लोग मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो कोई आपको ट्रस्टवर्दी अच्छा पर्सन मिल सकता है, आप उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपको एडमायर कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई सीक्रेट एडमायर भी हो, जो कहते हैं छुप छुप के आपको देख रहे हों, पसंद करते हों, आपको हिंट हो कि शायद ये मुझे पसंद करते हैं बट आप श्योर ना हो शायद, तो इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है। जो शादी के लिए देख रहे हैं उनको अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं दिस मंथ। सो अक्टूबर मंथ उस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी ट्रैवल होना, कहीं ना कहीं आपके काम में बढ़ोतरी होना, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। सो अगेन ये छोटे छोटे इवेंट्स के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। नवंबर मंथ अगेन काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। नवंबर मंथ में शादी होना, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, कमिटमेंट इन रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं से अच्छी ब्लेसिंग्स आना। फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, किसी से मिलना हो सकता है, काम में पॉजिटिविटी आ सकती है, एक हैप्पी गुड टाइम आप बता सकते हैं इन द नवंबर मंथ। शादी होने के लिए सबसे अच्छे योग बने हुए हैं अक्टूबर, नवंबर, इनफैक्ट दिसंबर में भी, ईयर एंड के लास्ट पीरियड में काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं फॉर शादी
और रिलेशनशिप और एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी। तो आई थिंक नवंबर एंड जुलाई हमें अभी तक सबसे अच्छे कार्ड्स मिले हैं। मंथ में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ऑल्सो कोई आपके ना प्रमोशन हो, कोई काम के डिज़ायर्स हो, कहीं अब्रॉड जाना हो, तो हर तरीके से इवेंट्स के पूरे होते हुए, जो भी अब आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, बट मुझे कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है। नवंबर मंथ में काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं दिसंबर मंथ की तरफ, दिसंबर मंथ में एक खुशखबरी का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का कार्ड है। सो आई थिंक पॉजिटिविटी कार्ड्स की तरफ आ देखें, ये प्लेस चेंज का भी कार्ड माना जाता है, जॉब चेंज का भी माना जाता है। अगर हम देखें तो हमारे सारे 12 महीने की रीडिंग को मैं कंपेयर ज़रूर करूँगी, बट ऑल ओवर मुझे ईयर एंड के तीनों ही कार्ड्स काफ़ी अच्छे सिंक में दिख रहे हैं, इवेंट्स पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर हमें ब्लेसिंग्स दिख रहा है। आई थिंक अप्रैल एंड मई ही था जिसमें काफ़ी स्ट्रेस तनाव हमें दिख रहा था, उसके बाद में न्यूट्रल कार्ड्स हैं। बेस्ट कार्ड्स, बेस्ट मंथ हम कहेंगे जुलाई एंड नवंबर दिसंबर को हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी सपोर्ट आती हुई दिख रही है। इसी के साथ साथ अगर हम गाइडेंस कार्ड में देखूँ आपके लिए, तो यहाँ पर है सरेंडर स्ट्रेस। आई थिंक जो हमारा अप्रैल मई की एनर्जीज हमें थोड़ी सी स्लो दिख रही थी वहाँ पर, एंड जनरल ऑल्सो 2021 में भी जो हमारे गाइडेंस कार्ड थे वो थे एस ऑफ माइकल, एस ऑफ स्वॉर्ड जिसको हम कहते हैं, कि जो भी आपकी ज़िंदगी में 2021 नए चैलेंजेस लेके आए, नई चीज़ें लेके आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, बस इसी तरीके से कुदरत पर भरोसा रखें और अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ पे लिखा है टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स द टेंशन यू हैव बिल्ट अप इन योर बॉडी, लेट द स्ट्रेस गो एज़ यू कम बैक टू योर सेंटर। तो जैसे कि हमारे कार्ड्स की रीडिंग में भी आ रहा था कि नो, जो दूसरी आपकी चीज़ों का स्ट्रेस है, तनाव है, उन सारी चीज़ों को लेट गो करें, इस जो पुराने साल में बीत गया नए साल का स्वागत पूरी खुशी से करें। जो भी आपका स्ट्रेस है, तनाव है, पूरे साल में कोशिश कीजिएगा अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करें। जब जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं तो नो, डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स हो जाएं, सेंटर में आएं, खुद पे काबू, खुद पे संयम बनाए रखें, वो आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू, दिस इज़ द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है 2021 के लिए। अब एक बार मैं सारे कार्ड्स को कंबाइन कर लेती हूँ। सो ये था हमारा जैन मंथ की एनर्जीज। जैन मंथ इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, फेब भी न्यूट्रल है, यहाँ पे भी हमें मार्च में अपनी विल पावर, हिम्मत बनाए रखनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस है, अप्रैल मई में भी, एंड जून इज़ ऑल्सो समथिंग यू नो, एनर्जी फिर से बिल्ट अप हो रही है। देन हमारा जुलाई के अच्छे कार्ड्स हैं, अगस्त भी काफ़ी यू नो पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है, ये भी थोड़ा न्यूट्रल है मनी को लेकर, एंड बैलेंसिंग एनर्जीज रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर। अगेन आप फिर से पॉजिटिविटी, हिम्मत बना रहे हैं। देन बेस्ट कार्ड्स हमारे वही हैं जुलाई के एंड इवन अगस्त ऑल्सो, बट बेस्ट आई फील इज़ जुलाई एंड नवंबर दिसंबर, ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं एरीज। सो आई होप आप ये मंथ्स एंड ये रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। डिटेल रीडिंग्स तो ऑफकोर्स मंथली में भी आपको आएंगे, बट एक ग्लिम्स, एक आइडिया आपको मिल गया होगा। आई होप जो आपके प्लान्स है 2021 के, उससे ये रेजोनेट हुआ हो। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बेहद खुशी मिलती है, मुझे पता चलता है कि चलिए रीडिंग्स मेरे लोगों के दिलों को छुई है, उन्हें अच्छी लगी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स मैसेजेस में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Wishing you all the good luck and positivity for 2021. Thank you so much for watching.